केमिकल एनर्जेटिक्स में आज हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर लिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले एंडो माने इंटरनल, हीट या एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, एंटर होना, जज्ब होना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस का अमल एंडोथर्मिक रिएक्शन है। स्टूडेंट ने पूछा था कि फोटोसिंथेसिस का अमल एक्सो होगा एंडो होगा, तो फोटोसिंथेसिस या ज़ियाए तालीफ का अमल क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो माने एब्जॉर्ब होना, डेल्टा एच इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये दोनों थर्मल केमिस्ट्री में आते हैं। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसमें आते हैं? थर्मल केमिस्ट्री, तो इसको थर्मल केमिस्ट्री भी कहते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स को थर्मल केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडो माने इंटरनल, एक्सो माने एक्सटर्नल, एक्सो मीन एक्सटर्नल, एवॉल्व होना, रिलीज होना, जबकि एंडो माने एब्जॉर्ब होना, एंडो माने एब्जॉर्ब, जज्ब होना, एंटर होना, एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ऐसा रिएक्शन होता है जिसके दौरान हीट क्या होती है? एवॉल्व होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच हीट is given out or released। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच नेगेटिव में होगा, जबकि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। डेल्टा एच मीन, जिसे मैंने पहले ही बताया था, एंथैल्पी। ये क्या होती है मैं अभी बता देता हूँ आपको। एंथैल्पिक डेफिनेशन भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी की डेफिनेशन देख लीजिए, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। एंथैल्पी हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम जरा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ले लेते हैं हम कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन किसमें आता है? एक्सोथर्मिक में आता है। कंबस्टन रिएक्शन किसमें आता है? एक्सोथर्मिक में आता है कंबस्टन रिएक्शन। तो ये कंबस्टन रिएक्शन किसमें आता है? एक्सोथर्मिक में आता है। C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी पहली एग्जाम्पल होगी। कंबस्टन रिएक्शन किसमें आता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। S+O2 भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या होगा? ये भी कंबस्टन रिएक्शन होगा। तो ये कंबस्टन रिएक्शन किसमें आता है? एक्सोथर्मिक में आता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन भी क्या आता है? ये भी एक्सोथर्मिक में आता है। रिस्पायरेशन यानी आपके तनफ्फुस किसमें आता है हमारे पास? ये भी एक्सोथर्मिक में आता है। रिस्पायरेशन भी किसमें आता है हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसमें आएगा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। रिस्पायरेशन का अमल क्या होता है? एक्सोथर्मिक में आता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जज्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो दूसरी एग्जांपल क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की? रिस्पायरेशन यानी अपने तनफ्फुस का अमल, ये भी एक्सोथर्मिक में आता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की नंबर 3 एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के लिए फ्यूल के लिए बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी किसमें आता है? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इसलिए क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ गया। इसके अलावा देखिए नंबर 4 पर एक्सप्लोजन वगैरह, एक्सप्लोजिव केमिस्ट्री जिसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लोजिव केमिस्ट्री में एक्सप्लोजन भी किसमें आता है हमारे पास? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। एक्सप्लोजन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो इसमें भी क्या होता है? केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम
थर्मामीटर की मदद से इसको मेजर करें तो पारा क्या हुआ, जो मरकरी होता है वो ऊपर की जानब जाता है यानी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, पारा नीचे की तरफ आता है, 96, 95, 94, 93 था, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसको पारा की मदद से या थर्मामीटर की मदद से केमिकल रिएक्शन को, थर्मल केमिकल रिएक्शन को हम मेजर कर सकते हैं।